ममता दीदी के बंगाल में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर टारगेट किया गया है। इस बार बंगाल में उपद्रवियों के निशाने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए थी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर अटैक किया गया। उपद्रवियों ने एनआईए की गाड़ी को निशाना बनाया और उस पर पत्थरबाजी की, जिसमें एनआईए की गाड़ी के शीशे टूट गए। हाईकोर्ट के आदेश पर एनआईए की टीम भूपति नगर ब्लास्ट की जांच करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि भूपति नगर में उस वक्त एनआईए की टीम को निशाना बनाया गया जब एनआईए के अफसर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर जांच करने पहुंचे थे। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में 2022 में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। इस विस्फोट में एक मकान धराशायी हो गया था और 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं से पूछताछ की जानी है, जिन्हें पेश होने के लिए बीते शनिवार को बुलाया गया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर एनआईए की टीम जाना चाहती थी, लेकिन टीम पर हमला किया गया, टीम के लोगों को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, गाड़ी तोड़ दी गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ हो। इससे पहले ईडी की टीम को संदेश खाली में निशाना बनाया जा चुका है और अब पश्चिमी मिदनापुर में भूपति नगर के ब्लास्ट की जांच करने के लिए पहुंची है। एनआईए की टीम के सामने कैसे धरने पर बैठ गए लोग और कैसे इन्हें निशाना बनाया गया, कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कैसे टीम पर निशाना साधने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और इस वक्त मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, बार बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, इस बार क्या वजह रही, क्यों निशाने पर आए एनआईए की टीम के लोग? जी हाँ, देखिए, संदेश खाली के बाद ये दूसरी घटना है और बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम की गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ है। सुबह 5:30 बजे की घटना है। टीएमसी के नेता है मनवेंद्र जाना, जो कि 3 दिसंबर 2022 में जो एक घर में ब्लास्ट हुआ था उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले में समन भेजा था एनआईए ने 8 लोगों में, उसमें मनवेंद्र जाना का भी नाम था। उनसे पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम वहां पर मौके पर गई थी, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया था। और जब उनको वापस लेकर एनआईए की टीम वापस आ रही थी, तब गाड़ी पर हमला हुआ, कुछ लोग गाड़ी के आगे बैठ गए, धक्का मुक्की हुई और नौबत इतनी आ गई कि विंडशील्ड जो है वो क्रैक हो गई है एनआईए की गाड़ी, जिसमें एनआईए के अधिकारी बैठे हुए थे। उसके बाद एनआईए के अधिकारियों ने शिकायत दी है पुलिस में मनमिंद जाना के खिलाफ कि उसके साथ कुछ लोग थे जिन लोगों ने, अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर हमला किया है। बहरहाल भारी पुलिस जाप्ता वहां पर मौके पर तैनात है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर इर्द गिर्द जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। एनआईए ने पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज कराई है। और जैसे कि आपको मैं बताऊं कि संदेश खाली की घटना के बाद ये दूसरी घटना है और इसमें पहले भी एनआईए की तरफ से समन भेजा था 8 लोगों को कि पेश हो और उस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, लेकिन ये 8 जो लोग हैं, जो टीएमसी के जो नेता भी है इसमें मनवेंद्र जाना, ये लोग पेश नहीं हुए थे। और आखिरकार एनआईए सुबह जब उनके घर पर रेड मारी, 2 लोगों को हिरासत में लिया, सुबह 5:30 बजे जब उनको वापस लेकर वहां से निकल रहे थे, उस वक्त इन लोगों ने हमला कर दिया, गाड़ी पर पथराव किया, कुछ लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, अज्ञात लोगों की भीड़ आ गई और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद एनआईए की टीम ने पुलिस को शिकायत दर्ज की है। फिलहाल जांच की जा रही है कौन कौन लोग थे, कौन कौन वहां पर पथराव किसने किया है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन पुलिस में जरूर शिकायत एनआईए की तरफ से दर्ज कराई गई है। देखिए, बार बार केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, इसका सियासी पहलू अगर मनीष देखें तो ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला पश्चिम बंगाल से सामने आता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच नहीं कर पाती हैं पश्चिम बंगाल में, कार्यकर्ता टीएमसी के, नेता टीएमसी के, वो सामने खड़े हो जाते हैं शील्ड की तरह और पथराव करने या मारपीट करने से भी गुरेज नहीं करते। जी हाँ, ये बड़ी दिक्कत की बात है। आपने संदेश खाली में देखा होगा जब शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ईडी पहुंची तो किस तरीके से ड्रामा हुआ था, किस तरीके से ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद पूरा मामला कोर्ट तक के पहुंचा, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद जाकर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। वैसा ही कमोबेश ये दिखाई दे रहा है। अब एनआईए की टीम के ऊपर हमला हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर ही एनआईए की टीम वहां पर गई थी इन लोगों को पूछताछ करने के लिए, क्योंकि बार बार समन दिया गया था, कोई भी वहां पर पेश नहीं हो रहा था। मनवेंद्र जाना, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, ये वो लीडर है जिसको पूछताछ किया जाना था और उसी को हिरासत में लिया जाना था। और उसी के लिए जब एनआईए की टीम पहुंची तो वहां पे मौके पर जो लोग थे उन्होंने विरोध जताया, विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि एनआईए की टीम की गाड़ी के ऊपर हमला हो गया, विंडशील्ड पर पथराव किया गया और उसके बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। बार बार इस तरीके की स्थिति आती है, सवाल खड़ा होता है ममता सरकार पर कि आखिरकार एक घटना जब हो चुकी है तो दोबारा से केंद्रीय जब जांच बल कोई पूछताछ करने के लिए, जांच करने के लिए जाता है तो ऐसी स्थिति क्यों होती है। बहरहाल अब एनआईए की टीम बिल्कुल सरकार रोक नहीं पा रही है ऐसी घटनाओं को या जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने दे रही है सरकार, ये सवाल है जो पश्चिम बंगाल की सरकार पर खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए एनआईए टीम पर हमला क्या सियासी साजिश के तहत हुआ, क्या केंद्रीय एजेंसियों को बंगाल में जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लेती हैं। ममता ने अलीपुर द्वार में एक रैली के दौरान बीजेपी पर अटैक करते हुए बड़ा दावा किया था। ममता बनर्जी ने पब्लिक के बीच कहा कि रामनवमी पर पहले बीजेपी नेताओं ने दंगे कराए और फिर एनआईए की टीम को केंद्र ने जांच के लिए भेज दिया। ममता ने कहा कि इसे प्रूफ करने के लिए बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट है। ममता ने कहा कि बीजेपी वाले खुद को साधु समझते हैं और ईडी, सीबीआई और एनआईए के जरिए टीएमसी नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। रामनवमी ने एक निजराई दंगा कर लो ताते एनआईए के पठिए दिए डॉक्यूमेंट बीजेपी नेता जितेन तिवारी एनआईए एसपी साथ मीटिंग कर আমরা তার কমপ্লেন পাঠিয়েছি, মনে রাখবেন। এখানকার বিজেপি নেতারা বলে দেবে ওর বাড়িতে গিয়ে ইনকাম ট্যাক্স রেড করো, ওর বাড়িতে ইডি করো, ওর বাড়িতে সিডি করো, আর তৃণমূল কংগ্রেস করলে সব চোর, আর তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে, তোমার পকেট ভর্তি কালো টাকায়, তোমার সারা শরীর ঢেকে গেছে কালো টাকায়, মনে রাখবেন। ওয়াশিং মেশিনের নাম শুনেছেন তো, কাপড় কাচে আগে নির্মা দেখাতো, ওয়াশিং পাউডার নির্মা মাখলেই সাদা হয়ে যায়, একটা কালোকে আপনি ঢুকিয়ে দিন মেশিনে সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে, বিজেপি করলেই ভাজপা ওয়াশিং মেশিন। तो ममता बनर्जी के इन बयानों के बाद ही सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसियों को टारगेट किया जाता है, एनआईए को टारगेट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के कूच बिहार गए तो उन्होंने जनता को टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर अलर्ट किया। मोदी ने कहा कि विरोध चुनाव के दौरान अलोकतांत्रिक तरीके से अपनाते हैं, लेकिन पब्लिक इस बार बिना किसी डर के वोट करें। विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव में बंगाल में जबरदस्त हिंसा देखने को मिलती थी, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान भी गई। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके अजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है, आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है, आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है, और इसलिए निडर होकर वोट देने के लिए निकलना है।